हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम साल भर चर्चा में रहे वन्य जीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व। पहले उत्तर पूर्वी भारत के पूर्वोत्तर भारत के देख लेते हैं। नंदौर वन्य जीव अभयारण्य ये नैनीताल चंपावत उत्तराखंड में नंदौर नदी के पास। बाघों की संख्या बड़ी है, इसमें टाइगर रिजर्व दर्जा मिला हुआ है। इसे तराई आर्क लैंडस्केप के तहत शामिल है। गोला और शारदा नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं लीपा आसरा वन्य जीव अभयारण्य। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्नो लिपर्ड देखा गया है। अगला फाकिम वन्य जीव अभयारण्य नागालैंड में फॉरेस्ट गार्ड अलेम्बा एम चुंगर अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड में शामिल। अगला तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य त्रिपुरा में ONC तृष्णा गैस प्रोजेक्ट मंजूरी यहाँ से निकलेगा, मिली है अभी। अगला गोमती वन्य जीव अभयारण्य, ये गोमती धेलाई त्रिपुरा में सबसे बड़ा है। ये प्रजातियां इसमें पाई जाती हाथी बाइसन सांवर वार्किंग हिरण जंगली बकरी। अगले पाके वन्य जीव अभयारण्य पक्वी वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी कामेंग अरुणाचल प्रदेश में पाके कामेंग नदियां वार्किंग हिरण ऑग हिरण हॉर्नबिल। अगला दक्षिण भारत में के संबंध वायनाड वन्य जीव अभयारण्य केरल में हाथी यहाँ गौर बाघ नीलगिरी लंगूर मालाबार विशाल गिलहरी जंगली सुअर पाया जाता है इसमें। अगला परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य केरल में परम्बिकुलम थनकाडक पेरू बरिक्लम मानव निर्मित जलाश्रय है इसमें संबंध। वेगामलाई वन्य जीव अभयारण्य थेनी मदुरै तमिलनाडु में है। अन्य चर्चित वन्य अभयारण्य देख लेते हैं। चंडका दम्पारा अभयारण्य उड़ीसा में बॉम्बू राइस का संचय यहाँ होता है। नौरादेही अभयारण्य MP में चीता रिटोडेक्सन प्रोजेक्ट को पुनः जीवित करने की बात कही गई है। अगली है गाहिर माथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में ऑलिव रेडले कछुए के लिए खास। दुधवा यूपी में सतकोसिया उड़ीसा में औरंग 49वां टाइगर रिजर्व है। कामलांग 50वां अरुणाचल प्रदेश में। सत्यमंगलम तमिलनाडु में मुदुमलाई तमिलनाडु में नागरहोल कर्नाटक में बांदीपुर कर्नाटक में पाके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये थे प्रमुख टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य।